अच्छा जी, वीजेर पे जाते हैं। वीजेर हमें कितने के देता है जी? ये वीजेर ओपन हो गया, और ये मुख्तलिफ हैं, इससे फ़ायदा होता है। चलें जी, यहाँ पे पहली लगा हुआ नापोली से माल पेंसा, 9 तारीख लगाई हुई है सर्च फ्लाइट, और ये हमें दे रहे हैं जी 44, मतलब 45 तक दे रहे हैं, और ये 49 तक दे रहे हैं। अच्छा जी, एक दिन आ गई है पीछे करके देखते हैं, हफ्ते वाले दिन की 60 रुपये में है, और जुमेरात की ये 14 रुपये की लगी हुई है। यार कमाल की है, ये 14 यूरो वाली उठाते हैं। अच्छा मुझे पहले देख लेने दें ज़रा, ये जो 14 यूरो वाली, इसकी टाइमिंग क्या है, और क्या मैं नापोली पहुंच सकता हूँ टाइम पे? मैं भी 1 मिनट देखता हूँ। चलें जी, अभी हम ये सुबह सुबह इसने निकलना है 6:15 पे, तो इसकी सिलेक्शन करते हैं 6:15 पे। और ये सबसे नीचे, ये इधर मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा है जी, आपने एक 20 किलो वाला बैग रखना है, फ्री सीट जो भी आप सेलेक्ट करें, और साथ में एक टायरों वाला बैग और एक हैंड कैरी, और इसकी जो कीमत है वो बता रहा है 47 रुपीज़, और 62 रुपीज़ वाली जो है इसमें, ये 32 किलो वाला एक बड़ा बैग है, एक फ्री सीट है, एक फिर टायरों वाला बैग और हैंड कैरी है, और ऑनलाइन टिकट चेक है। इसके अलावा और बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन हमने इस पर बेसिक ट्रैवल वाला वो करना है, जो हमारी ओरिजिनल प्राइस है 14.99 रुपये में, तो इसको जनाब हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद अभी फिर वो कह रहा है जी, डू यू नो वी हैव इनहेंस्ड हेल्थ एंड सेफ्टी मेजरमेंट ऑन बोर्ड, वो थोड़ी ऐसी दी ऐसी करा देंगे। फ्लाइट नंबर है जी ये ऊपर, और ये बता रहा है कि आपने 8 सितंबर को 6:15 पे नापोली से फ्लाई करना है, और 1 घंटा 25 मिनट में आपने 7:40 पे मालपेंसा एयरपोर्ट पे पहुंच जाना। वो कह रहे हैं जी इसको अपग्रेड करें, लेकिन नहीं, हमें यही ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमें जनाब नेक्स्ट कर देते हैं। अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है, वो कह रहे हैं जी 5 यूरो आपके महफूज करने हैं, लेकिन हम नहीं करते, हम नो थैंक्स पे करेंगे, और 14 यूरो ही पे करेंगे, 15 हो जाएंगे वो हमारे टोटल कुल मिला के। अभी जहाज़ हमारा फ्लाई कर रहा है जी एयर में, तो जल्दी से चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा, तेरी ऐसी दी तैसी। वो चढ़ गया ले जी। अभी इधर वो कह रहा है जी अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये मैंने अपना नाम लिख दिया है, ये जेंडर लिख दिया है, और यहाँ पे जनाब अभी हम पे करने के चक्कर में हैं। ओके जी, कोई हमारे पास नहीं है, बस ये एक हैंड कैरी है। ओके हो गया जी 14, और अभी वो कह रहा है जी एक सीट के लिए रिज़र्व करें पैसे, तो हम जो है ना वो कोई सीट नहीं चूज़ करते, हम फ्री ऑफ चूजन जाएंगे, ज़रूरत हमें नहीं है, बस ये 14 रुपये में जो भी सीट उधर मिलेगी हम ले लेंगे। ओके हो गया जी। अभी यहाँ पे वो कह रहा है चलें जी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से वो कह रहा है जी आपने इंश्योरेंस करनी है, हम इंश्योरेंस नहीं करते भाई, आप रहने दें। अच्छा जी, यहाँ ये 14 यूरो पे हमने गो कर दिया। अच्छा जी, अभी वो कह रहे हैं जी सक्सेसफुली पेमेंट सक्सेसफुली पेड हो गई है नापोली तो मिलान मालपेंसा, और ये हमारा कन्फर्मेशन कोड आ गया जी, और इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, और 14 यूरो हमने पे कर दिए। ये ऊपर आ गया हमारे मैसेज कि आपके अकाउंट से 14 यूरो 99 सेंट काट लिए गए, शो टाइमलाइन। अच्छा जी, टाइमलाइन में हमें ये क्या कहते हैं नहीं जी, ये हमारी आ गई नापोली से मालपेंसा शो बुकिंग समरी आ गई 8 सितंबर को, सीट कोई नहीं हमने सेलेक्ट की, ऑनलाइन इंक्लूडेड, टोटल 14 यूरो। ओके जी, ये हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया, अप्रूव्ड हो गई है, और यहाँ से हम प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन स्किप फॉर नाउ, हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी प्रिपरेशन की। और इसके बाद जनाब सीट नो डन हो गया जी।
जी नेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद नो जी, एड ऑटो चेक। नहीं, हमें चेकिंग की भी ज़रूरत नहीं है जी, यहाँ से भी हम गेट यूजली ओपन अबाउट एन आवर बिफोर डिपार्चर। डिपार्चर है ये जी। अच्छा जी, अभी हम इनसे बोर्डिंग पास लेते हैं। बोर्डिंग पास आप किस तरह लेना है जी? पास योर बोर्डिंग कार्ड। और इसका कंफर्मेशन कोड मारा क्या था? 1 मिनट। ये भी हमारा बोर्डिंग पास बन गया, तो देखते हैं अभी इनसे कि ये हमारा बोर्डिंग पास लें जी। ये हमारा ट्रैवल बोर्डिंग पास आ गया। फाइनली हमने अपना सर्च कर लिया। तो ये अभी दोस्त ये हमारा बोर्डिंग पास आ गया। और इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, वो तो उधर आ गया, मेरा हल है, ज़रूरत नहीं। ये उन्होंने कहा शो बोर्डिंग पास और डन कर दिए। अभी ये हमारा इसमें ऐड हो गया। चलें जी, नापोली से मालपेंस एयरपोर्ट, ये हमने सब ओके कर लिया। और बैक गो टू होम, एड आउट इन चेकिंग। ओके जी, ये आ गया हमारा पास। ये है बोर्डिंग पास, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। नहीं जी, ओके।